सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए हमारे सभी भाइयों को सादर प्रणाम। न्यू युवा राजभर संगठन सेवा समिति लुधियाना आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। मैं न्यू युवा राजभर संगठन के अध्यक्ष माननीय रितेश कुमार राजभर जी से कहूँगा कि वो आएं और दो शब्द अपने समाज के लिए रखें। मैं रितेश कुमार राजभर, ग्राम सभा नटौली सागन जौनपुर यूपी से, और हमारा यहाँ पे लोकल एड्रेस है कैलाश नगर, जहाँ हमारी फैक्ट्री है उधर ही हम रहते भी हैं, एक नंबर गली में शिमला कॉलोनी में। आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आप लोगों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि चलो ये कर्म भूमि पे हम होते हुए भी इतने टाइम में अपने निकाल पाते हैं और अपने लोगों को कुछ अपने दिल की बात कुछ पहुँचाने के लिए समय निकालते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो ये हमारे भाई साहब आए हुए हैं चंडीगढ़ से, पीछे यूपी से हैं, यूपी से होकर के वैसे तो मुंबई में रहते हैं, इनकी कर्मभूमि मुंबई है, मुंबई से फिर आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से स्पेशल आए हमसे मिलने के लिए। तो हम चाहते हैं कि चलो जितने भी लोग यहाँ पे आप आएँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने अपना जो समय महत्वपूर्ण समय निकाला तो बहुत अच्छा लगा, स्वागत भी किया हम लोगों ने। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो अपनी विचारधारा होती है फैलती है, उभर के निकलती है अंदर से कि हाँ भाई हम कुछ करना चाहते हैं। अब जो नहीं आ पाए, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं उन लोगों के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि भावना नहीं है, नहीं कुछ करना नहीं चाहते। हाँ ये है कि कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन हम लोग पहुँच पाएँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। इसी को तो कहते हैं संगठन। हमने युवा राजभर संगठन समिति बनाए और आज भी हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के एक साथ होकर के चलें। ये नाम से कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम नाम को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते कि नहीं न्यू युवा राजभर संगठन समिति है तो उसके नीचे आकर के कोई काम करेगा तो कोई ऊपर हो जाएगा कोई नीचे। अरे भाई हम कहाँ क्यों भूल रहे हैं, हमारा खून एक है, हम एक ही घर के भाई हैं, हम अलग क्यों? एक नाम रख लेने से अगर अलग हमको अलगाव दे रही है तो हमें नहीं चाहिए वो नाम यार, हमें तो सिर्फ आप चाहिए, हमें आपसे प्यार होना चाहिए। अब जैसे पीछे मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ भाई बोलेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में,
मैं तो साफ कहता हूँ, हमारा आपका दिल मिल रहा है ना, हमारे आपका दिल है, हमारा आपका विचार है। अगर ये मिल रहा है ना, तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो तो कापियों में छपा होता है, बंद होकर के रख जाना है। मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप जितना मर्जी ले लीजिए, अगर आपका दिल ही ना मिला तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर बेकार है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मेरा मानना है, हम एकजुट होकर के मिलें, हमेशा एक साथ रहें, कदम से कदम मिला करके चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें। ऐसा कोई काम नहीं है सामाजिक जो हम नहीं कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, हम निजी व राजभर संगठन सभी चलाते जरूर हैं, वो हमारी जुनून है, वो हमारा जोश है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करते हुए, अगर हमारा कोई भाई उसकी वजह से दिक्कत में आता है, अगर वो कहता है कि नहीं हमें दुख है, हम उसके भी दुख का निवारण करेंगे, निजी व राजभर संगठन समिति के नाम को बदल देंगे भाई, लेकिन अपने भाई को नहीं जाने देंगे हम, जो हमारा अपना विचार है। आज गए हम, फिर कल मीटिंग करेंगे, फिर करेंगे, लेकिन हम उनको लेके आएंगे अपने पास, या फिर हम, अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो हम उनके पास चले जाएंगे, लेकिन उनको अलग नहीं रहने देंगे। हमारा अपना ये सोचना है। आज कितनी अच्छी बात है, उस दिन बालकिशन भाई साहब आए थे जम्मू से, यहाँ पे, यहाँ से फिर चले गए, अपना ही कोई खून था, अपना ही कोई भाई था। आज इस भाई को देख रहे हैं, भाई साहब वहाँ से चल करके यहाँ पे आते हैं चंडीगढ़ से, धूप कितना है, आकर के समराला चौक से फ़ोन करते हैं। हमने कहा नहीं भाई, आपको वहाँ से ऑटो में बैठ करके शिवपुरी नहीं आने देंगे, हम खुद जाएंगे समराला चौक और वहाँ से ले आएंगे। इसको कहते हैं कि प्यार अपनों से। तो भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि आइए, हम लोग हाथ मिला करके चले एक साथ। नाम ओम में क्या रखा है, दिल मिल जाए उतना ही बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं चंद विचारों के साथ अपने बाड़ियों को हम विराम देते हुए आप सभी भाइयों को धन्यवाद। पिछली कड़ी में राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से हमारे भाई अखिलेश राजभर जी के कृपा से आज हमें इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को कुछ संदेश पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अपने समाज के हर व्यक्ति से यही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने व्यक्तित्व में थोड़ा निखार लाइए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को थोड़ा सा समझिए। 28 दिन 29 दिन आप अपने लिए कमाइए, ज़िंदगी जीजिए। एक दिन, दो घंटे, चार घंटे का समय अगर आप लोगों से मांगा जाए तो कृपा करके आप अपना वो दो घंटे का अमूल्य समय दीजिए। इससे हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी और हमें थोड़ा उल्लास मिलेगा और हम इससे ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करेंगे। अगर हम और आप अपनी अपनी जिम्मेवारियों को खुद नहीं समझेंगे तो हम समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? तो मैं अपने सारे मित्रों से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं उसको समझते हुए उसे निभाने का प्रयास करें और थोड़ा सा समय निकाल करके अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों को, और इसी के समक्ष मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा संजय जी आएँ और दो शब्द अपनी भाषा में हमारे समाज के लिए कुछ कहें। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं संजय कुमार राजभर, ग्राम पोस्ट नरमे, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को, अखिलेश भाई जी को, जो बॉम्बे चंडीगढ़ से होते हुए लुधियाना में विराजमान हुए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यू युवा राजभर संगठन समिति इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। साथियों, न्यू युवा राजभर संगठन समिति आज 5.5-6 साल से चली आ रही है और काफ़ी अच्छा काम भी की है। जितना काम की है सराहनीय है, मीडिया के तहत दर्शाया गया है और हर शहर में लोग जाने हैं कि न्यू युवा राजभर संगठन समिति क्या चीज़ है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पढ़ो, बढ़ो और विकास करो। अगर दुनिया की कोई शिक्षा है, अमृत
चीज़ है तो है पढ़ाई। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऐसी मजबूती पे लाएंगे, ऐसी कगार पे लाएंगे कि आगे हमारा विकास हो, हमारा वर्तमान भविष्य संभले। सबसे बड़ी चीज़ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कह गया है कि अगर कोई लड़ाई कोई हथियार है तो सबसे बड़ी लड़ाई वो है हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना होगा, आगे से तब हमारा इतिहास संभलेगा। और साथियों इसी के साथ मैं अपने पार्टी को विराम दूंगा। मैं रमाशंकर राजभर, ग्राम जापुर कतकान, पोस्ट खंडापुर, जिला आजमगढ़, यूपी से। सबसे पहले तो अखिलेश राजभर जी को सादर प्रणाम और सभी भाइयों को सादर प्रणाम। दूर दूर से आए हुए सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है आएँ, अच्छी बात है, सब संगठन बना के रहें। जो कि संगठन बना के रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी, और ताकत ही एक ऊर्जा होती है। ताकत जिसको कहते हैं ऊर्जा, ऊर्जा के माध्यम से अगर काम करता आदमी, जैसे बिजली और होता रफ्तार पकड़ता है ना, पटापुरकरण पहुँचता, वैसे लोगों को अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून के साथ साथ काम करना चाहिए। हमारे कहने का विचार यही रहता है हमेशा, ये नहीं कि ना कि सो जाए, आज मीटिंग में आए कल हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अगर वो चाहें तो टाइम से हाजिर हो सकें यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसी ऐसी बातों को लोग पीछे रह जाएंगे तो हमारा राजभर समाज पीछे ही रह जाएगा। और इसी बात के लिए मैं एक बार यहाँ फिर जो कि टोटिया मंदिर में जो बात बोला था, मैं फिर वही बात बोलने वाला हूँ, दोहराने वाला हूँ फिर, क्योंकि ऐसा बोला था उस बात को हमारी समझ कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज हम फिर वही बात को दो शब्द हम कहेंगे। जैसे अब ये रितेश भाई कहते हैं कि एक बार नहीं, हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। तो इसी बात के लिए हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। क्योंकि अगर आदमी करते करते एक एक दूसरे को जोड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन ये आज जनसंख्या इतनी कम है, कल इतनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा, इतनी बहुत भीड़ सारी मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो आज हम नहीं आएंगे, वो नहीं आए, वो नहीं गए तो हम नहीं क्यों जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजभर संगठन ऐसा होना चाहिए कि जो मजबूती के बल के साथ ताकत काम करे। और आगे मैं ये कहूँगा कि आज एक और शब्द बोलना चाहता हूँ, इसलिए जैसे फिर वही बात दोहराना हूँ, जैसे कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का व्यापक हो, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। क्योंकि एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई, एक दूसरे तनाव मत रखिए, एक दूसरे से भाईचारा विचार बना करके रखें, ऐसा किया जाए। अगर विचारधारा अगर गलत लोगों के अंदर भावना होगी तो हम संगठन नहीं चला सकते। संगठन चलाने के लिए जो कि सबके अंदर वो जोश होना चाहिए, जो कि एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को बताएं, जो संविधान के हिसाब से और नियम कानून के हिसाब से बातचीत करें और समझाएं एक दूसरे को। और आगे के लिए धन्यवाद। मैं दशरथ राजभर, जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में जितने भी संगठन संस्था पार्टी और संगठन जो है हमारी ताकत है, और संगठन के साथ एकजुट होकर चलो, और जो है इससे हमारा जो है मजबूती होगा, और समाज में कोई भी दुख सुख होगा उसमें सब लोग जो है अपना सहयोग दो। और कोई भी लड़का पढ़ा लिखा ना हो तो उसको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ पाता है, गरीब है, तो उसकी मदद करो। और हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज, हम जो है हमारे पुरखों ने जितनी कुर्बानियाँ दिया है तो हमारी समाज जितनी पिछड़ी है, हम ऐसे हमारे समाज चाहे कि हम समाज को आगे लेके चले। और जो है हमारी संस्था आज लगभग पूरे प्रदेश में है, नेपाल में है और पूरे देश में है, तो हम आज जाग चुके हैं। तो हमारे राजभर समाज यही करे कि एकता बनाए और हर दुख सुख में साथी हो और हर समाज की मदद करे। जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो उसकी मदद करो, गरीब दुखिया है उसकी मदद करो, और शिक्षा नहीं है तो उसको शिक्षा दिलाओ, तब हमारी समाज आगे बढ़ेगी और तब हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं राम लखन राजभर, ग्राम सहोली, पाराराम, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। मैं लुधियाना में ही रहता हूँ इस समय, गांधीनगर। नमस्कार। मैं राकेश कुमार राजभर, ग्राम बर्रा से।
मुंबई से आए हुए हमारे मित्र श्रीमान अखिलेश राजभर जी राजभर एक्सप्रेस की तरफ से और लुधियाना की तरफ से राजभर समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान रितेश राजभर जी आज यहाँ पे मीटिंग बुलाए हैं और भाई साहब को के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुंबई से आ रहे हैं तो हम लोग ने इकट्ठा होकर भाई साहब का स्वागत किए। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अखिलेश जी का लुधियाना में। थैंक यू। नमस्कार सबको, मेरा आए हुए सब बंधुओं को मेरा नमस्कार हो। और मैं विजेंद्र कुमार राजभर ग्राम सुनहरा जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। और यहाँ पर मेरे प्रेसमैन महाराष्ट्र से आए अखिलेश कुमार जी के स्वागत में हम लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए। और इनके माध्यम से यही कहना चाहूँगी, राजभर भाई लोग सब लोग संगठित रहें और एकत्रित रहें, यही मेरा संदेश है कि जहाँ भी लोग राजभर का संगठन हो वहाँ एकत्रित हो और अपने भाइयों का जो कि सहयोग करें, समाज के साथ जुड़ के रहें। धन्यवाद।